इसमें कोई शक नहीं रह जाता, संशय नहीं रह जाता कि आप गुरु के निकट नहीं हो, आप पूर्ण रूप से गुरु की प्राप्ति है, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति है, इसलिए आप उनकी शरण में बैठे। माघ महीने के पाठ में दो चीजों का ज्यादा समन्वय है, जैसे एक तो माघ में स्नान करके सारे पापों का नाश करना, दूसरा अगर साथ भाव से जुड़ जाए बात कि हे प्रभु मैं इसलिए स्नान कर रहा हूं कि मैं भक्ति के साथ आपके नाम के साथ हो सकूं, ये दो भाव हो जाएं तो किसी और भक्ति की जरूरत ही, क्योंकि बाकी भी जितनी भक्तियां हैं तप है, सबका मतलब एक है कि अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ना, मन का निश्चल चित्ता अपना ईश्वर के साथ जोड़ो, बस यही बातें हैं। तो अगर इस बातों पर अभ्यास हो जाए, ये धीरे धीरे होते, एकदम नहीं होता,
कई बार देखते रहते थोड़ा और सो रहे यार, 5 मिनट और, क्योंकि नींद ने तंग किया सबको। धीरे धीरे अब टाइम हो गया अपना, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेट भी होके, जब भाव बन गए कि 4 बजे उठना ही या 4:30-5 जो भी आपका समय है तय किया है, उठ के सारा कर्म करके ईश्वर के चरणों में जाना, ये धीरे धीरे बनता है, एकदम नहीं बनता। तो जब आप उठ के चल के उसका ध्यान जो किया वो भी आपका तप गिना जाएगा, उसके बाद स्नान करके जो हरिओम राम जो भी शब्द मुख से निकलता है वो भी आपका स्नान तप है। जिस्म को शुद्ध करना आत्मा के साथ मिलकर, अगर उसमें गंगा जल काले तिल इत्यादि डाल दिए जाए, दूध डाल लिया जाए, तो ये सब समझ लीजिए आप देह के साथ अपने मन को भी पवित्र करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब ये तीनों चीजें पवित्र हो जाएं और ईश्वर के चरणों के साथ अपने आप को जोड़ा जाए, जब नया नया व्यक्ति होता है तब तो उसे चिन्ह नजर आने शुरू हो जाते हैं कि मैं भगवान के पास गया था, मन खुश होना रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु की वो प्रथम कृपा होती है जब उसके साथ उनके चरणों के साथ हम जुड़ते हैं, ये पहली कृपा गुरु की। बोल शंकर भगवान की। जब आपका अभ्यास हो जाता है, अभ्यास के साथ मानसिकता से नृत्य करते हो, भजन गाते हो, ये आगे सीढ़ी है गुरु की कृपा की। फिर धीरे धीरे जब आपको होश नहीं रहता और उसके भजन में आप लीन हो जाते हो और आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो ये समझ लो कि भगवान ने अपरम अपार कृपा आप पर की है, जो आपकी अपने आपकी शरण में लगाकर आप लोगों को आप का कल्याण निमित्त साधन बना है। बस ऐसे ही नियम करते रहो, धीरे धीरे दुनिया में रहकर खान पान करते हुए अपनी ड्यूटी अपने फर्ज अदा करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति कर लो। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी हो गया, हे कल्याणी तुम भी देवताओं की सेवा से किए जाने वाले प्रयास में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओ। माघ महीने में केवल स्नान करके स्वर्ग में, अगर किसी पीर की फकीर की ऋषि की गुरु की सेवा करने की ड्यूटी लग जाए। कई बार गुरु भी देखते रहते हैं कि ये अब आएगा और अब मेरी बात मानेगा, गुरु का पूर्ण ध्यान आप पर रहता है। कहने का भाव कि अगर इस प्रकार आप अभ्यास करते रहे, देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयास और साथ में महात्म का स्नान किए जाए माघ महीने का, तो निष्पाप होकर स्वर्ग में जाता है। सो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर जाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा जमुना के संगम में जाकर स्नान किया। अब उसका भाव बन गया ना, सारे भाई बहन जितने भी हैं त्याग करके जाके गंगा में स्नान करें। जब भाव बनता है तब मुक्ति
तब कल्याण होता। भाव के बिना नहीं। पीछे श्लोक में आया कि मजबूरी में या भाव ना बने हो तो फिर कल्याण में देरी है। भाव आपको जैसे अच्छे बुरे कर्मों का भाव बनाते हो वैसे उसका भी भाव बना लो। ईश्वर के चरणों में रहने ऐसी प्रार्थना कर लो, हे प्रभु सारा जीवन तो क्या आपका मिलना ही कठिन है। जितने भी मेरे जीवन आपने लिखे हुए हैं मुझे अपने चरणों में रखना। इतना कहने से ही जीवन मोक्ष हो जाता है अगर सही दिल से सही इरादे से कहा जाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीता राम, करो कल्याण सीता राम। गंगा जमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, तीन दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, हो गए, और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गया। कहने का मतलब सिर्फ तीन दिन के पाप से, तीन दिन के स्नान से सभी पापों का नाश हो गया और बाकी के 27 दिन से वो देवता हो गए और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूं। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूं। सो मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा, तुम भी इस योनि में पढ़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और पर्वत गुफा में वास करते हो। हे निशाचर, कहने लगा कि हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। जो आपका सज्जन है, मित्र है, उससे अगर दिल की बात भी कर लो तो उसमें कोई हानि नहीं। मन का बोझ हल्का उसको बताना बहुत जरूरी। मुझको अब कोई संशय नहीं, मेरा उधार तुमसे ही। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूं। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। मैंने राजा पापी शूद्र तथा वैश्यों के से अनेक प्रकार का दान लिया था। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं, वही पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। बोल शंकर भगवान की। कहते इतना घोर पापी होते हुए भी केवल मैंने तीर्थ में स्नान किया इसलिए मैं नरक में केवल नहीं गया, उससे मेरा बचाव हो गया। पहले दो बार गिद्ध योनि में, तीन बार व्याघ्र योनि में, दो बार सर्प योनि में और एक बार उल्लू की योनि में और 10वीं बार अब राक्षस हुआ। बोल शंकर भगवान। इससे एक बात उभर के सामने आई है कि आपने गंगा स्नान तो किया या माघ स्नान तो किया, त्रिवेणी में किया या कहीं भी किया, क्योंकि देखिए अगर आप प्रयागराज अपने गुरु के ही स्थान को समझते हो तो त्रिवेणी स्नान हो गया, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई है नहीं, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो बात सामने आई है कि मेरा भाव नहीं अभी बना था कल्याण का, केवल स्नान किया पाप मुक्त तो मैं हो गया, फिर भी मुझे योनियां मिली, उल्लू की मिली, कितने 10 बार और 10वीं बार में राक्षस बना। अगर उस वक्त भाव बन गया होगा कि हे पर उन योनियों में ब्रेन चलता ही नहीं,
केवल मनुष्य योनि में आके ब्रेन चलता है, दिमाग चलता है, भाव चलता है। सो अगर भाव बनेगा तो ईश्वर आपका कल्याण करता है, क्योंकि ईश्वर केवल भाव का मौका है कि आप कोई भाव बनाओ, उसी के मुताबिक आपको मैं योनि दे देता हूं, शरण दे देता हूं। एक बार उनकी योनि और दसवीं बार में राक्षस हुआ और 75,000 से वर्ष से इसी योनि में 75,000 साल से इस स्थान को 3 युजक तक मैंने जंतुहीन तक कर दिया है। 3 युजक यानी कि कितने मील तक, मीलों तक मैंने ये जीव जंतु इन सभी का मध्य खा गया। इस स्थान को 3 युजक तक मैंने योजन तक जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। जब किसी को दुख दोगे तो क्या अपना मन सुखी हो पाएगा? कभी भी नहीं। जब किसी को दुख दोगे तो अंतर आत्मा कहती है यार मुझसे ये गलती हुई है। वो खुद पछताता रहता है कि मैंने किसी को दुख दिया। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य है। जब सज्जन पुरुष का संग होता है तो मन कितना भी दुखी घर से रो के ही क्यों नहीं आया, दुखी होके क्यों नहीं आया, जब ईश्वर की चरण में शरण में आते हैं, तपस्वी लोग की शरण में आते हैं तो मन को काफी शांति मिलती है। उनकी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के कारण मन को शांति मिलती है, क्योंकि सज्जन का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते। सज्जन वो अगर मेरे को कोई दुख लगा है तो उससे उसके मन में ऐसी हमदर्दी हो यार इसका दुख कटना चाहिए, ऐसा भाव अगर बन जाएगा तो उसको यार बहुत दिक्कत आई, तकलीफ आई, मैं कितना उसका दुख काट सकता हूं, वो यत्न करे। आपके मन में भी उसके दुख की हमदर्दी होना चाहिए। सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब ये बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार कर सकता हूं? वो राक्षस कहता है, क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता, समुद्र बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगा। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगा। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है, यानी कि जो दुखी है उसको जेब से कुछ ना कुछ देकर या उसकी सहायता करके उसके हृदय में कहीं ना कहीं शांति का पाठ पड़ा कि उसका मन शांत हो। वो भी एक तप है, वो तपस्या है, किसी दुख हृदय को उसका दुख शांत करना भी एक तपस्या है। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? कहता जो पहले परिपूर्ण है, पहले अमीर आदमी है, उसको कहो यार मैं आपको यह दान देना चाहता हूं तो उसका क्या लाभ है। कहता समुद्र में 2-4 बूंदे बारिश की पड़ भी जाए तो समुद्र को क्या फर्क है। प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूं, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़ कर जल को हाथ में लेकर मां स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। अपने वस्त्र का जो गीले थे स्नान करके उसका जल निचोड़ कर उसको अर्पण कर दिया।
उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज नहीं सूर्य सदृश देवता। कहने का भाव के जब कोई भाव बनेगा तभी ईश्वर कृपा करेंगे कि इसका भाव अब बन गया, इसको कल्याण इसका करना है। जब तक भाव नहीं बना तब तक अभी देरी है, जब भाव बन गया तो फिर कोई देरी नहीं, फिर आपका कल्याण हो चुका। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, कंचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने मुझ पर कितना उपकार किया, अब भी कृपया कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। कहते कुछ ऐसी कृपा करो कि क्योंकि स्वभाव जब राक्षसी बन जाए तो जाते जाते देर लगती है। आप गुरु चरणों में बैठकर एक बार भाव बन गया कि हे ईश्वर मेरे बुद्धि को अपने चरणों में लगा लो, अब बुद्धि तो उन्होंने लगा दी लेकिन आपके स्वभाव में अभी भी वो बाकी चीजें जो बची हैं वो जाते जाते समय लगता है। आप बुद्धि बनाई रखो ईश्वर की तरफ, वो धीरे धीरे ईश्वर कृपा करेंगे तो वो चीजें सब नष्ट हो जाएंगी जो भाव आपके गलत बन गए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हरो कल्याण सीताराम, हरो मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। देखिए जब कोई पुण्य की तरफ जाता है, अच्छे कर्मों की तरफ जाता है तो उसके ना कई शत्रु बन जाते हैं। हमारे एक भोलेनाथ जी पंडित थे, पापड़ियां बजा मर गया। हम भी क्योंकि जब इस लाइन में पढ़ता तो बड़े बड़े चोटियों के पास के ऊपर जाने का तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो, मैं कह नौकरी करता हूं। कहते यहां कैसे, मैं कह बस गुरु की शरण में हूं और वहां पर थोड़ा पढ़ा भी रहा हूँ, साथ साथ में सीख रहा हूँ। कहते शत्रु पैदा कर लिया आपने, कहते जब वो स्टेज बनती है ना तो अपने आप शत्रु पैदा हो जाते। आप में गुणों का समन्वय जब आना शुरू होता है तो कई जेलसी, कई जलन, कई शत्रु, ये दूसरों की अपने आप जो मानसिकता है उसके प्रभाव से बढ़ जाए। कहते ऐसे शत्रु पैदा होते पर लगे रहना। बोल शंकर भगवान की। इस देह का मोह मत त्यागना। कहते शत्रु को जीतो, कामरूपी दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। किसी के भी दोष या गुण अपना अपना ध्यान रखो, किसी के दोष गुण क्या वर्णन करने, शिव और वासुदेव का पूजन करो। इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो। वो ये नहीं कहीं कह रहे कि अपनी पत्नी का त्याग कर दो, पुत्र का त्याग कर दो, मोह ममता का त्याग कर दो, वो ये नहीं कह रहे। उसका मतलब दिल से उसकी शरण में रहो,
और बाकी जो आपकी ड्यूटीज हैं उसको कंप्लीट करते रहो। मन में ये भावना हो कि मैं इनके लिए कर रहा हूं, वो अपनी ड्यूटी है, अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन मोह ममता इसी के साथ रखो, ये मोह ममता रहता है, क्योंकि वो खुद मोह ममता रहता है, इसके साथ होगी तो फिर कहते ना नाथ खसमाता। जब एक हो अपना नाम लोगे तो फिर आपका वो लगाम जो है वो उनकी कस रहता है कि ये मेरा हुआ है, इसको इधर उधर नहीं जाने, जितनी बड़ी भी क्यों ना माया हो, वहां पर आकर जहां पर संगत कुसंगत हुई वहां पर ईश्वर स्वयं उसके मन को विचलित कर देता कि यहां मत ठहरो। अब देखना कि आपके अंदर प्रभाव किस गुण का ज्यादा है, उसको आकर्षित हो जाता है। अगर गुण सत्य 24 घंटे उसके मुख से यही निकले, सतगुरु देव महाराज की कृपा है, ईश्वर की कृपा, वो जाने नहीं देता उस तरफ। बोल शंकर भगवान की जय। कहते हैं पति पत्नी पुत्र धन आदि ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण कर योगी बनो। ऐसा वैराग भाव धारण कर लो, मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सेवत वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग हो गया, और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की, फूलों की वर्षा की, और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया, इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था, अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को। देखिए जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष किसको कहते हैं, देव ऋषि गुरु मित्र, धर्म के कार्य में रत्न करने वाले, अच्छी अच्छी सात्विक भाव बनाने वाले, ये सज्जन पुरुष होते हैं। इनका संग करने से असत्य से आदमी छूट जाता है। ये कहीं नहीं कहा कि आपके भाव हैं जो आप ईश्वर की तरफ रखो लेकिन बाकी काम करते रहो। जैसे मैं छोटी सी बात कहता हूं, जब मैं घर गया तो मेरे पोते का ध्यान नहीं करता, वो कहता 10 रुपए। अब उसने मांगे अपने भाव से, उसको जेब से कहो ये रो यार एंजॉय करो खाओ, मोह जो है ईश्वर के साथ होगा, उसको जय बोलो, जय कहो 24 घंटे ये कहो। जब ध्यान ईश्वर का साथ साथ चलता रहेगा तो उस माया से रहत होते जाओगे। जब तक ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं तो आपकी माया उसकी तरफ बढ़ेगी, यार ये मेरा बच्चा है, मेरा प्यार, आओ मैं इसको खुश करूं, आपका भी मोह जागता रहेगा। अपना मोह को त्याग कर ईश्वर की तरफ अपने मुंह को लगाना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। कोशिश ये करनी है
और सतगुरुदेव महाराज के अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से दुनियावी काम भी करता रहे, समर्पित करता होगा। मैंने ये नहीं कहा कि उसको भूल जाए, यानी कि उसका ध्यान सोते जाते हर सांस में उसका ध्यान रहे, तो दुनिया के जितने भी काम है करता रहे। कोई काम नहीं रोकता कि आप सारा सृष्टि का काम रोक के सिर्फ यही बैठे रहो, यही बैठोगे तो जिस्म को कैसे जिंदा रखोगे। जब तक आत्मा के साथ जिस्म है उसको भूख भी लगती है, उसको कायम रखने के लिए फिर मन को निश्चिंत नहीं किया जा सकता। जब तक उसको कायम नहीं जिस्म कर रखोगे, 24 घंटे ध्यान भूख की तरह रहेगी, यानी कि भूख भी इतनी करो कि 3 की भूख है तो 2 खा लो, जिंदा रखने के लिए केवल जिस्म और ध्यान ईश्वर की तरफ। बाकी काम जो आप पर ईश्वर ने जिम्मेदारी लगाई है, क्योंकि लेन देन का भुगतान भी साथ साथ ही होना है। ऐसा नहीं कि आपने कर्म त्याग दिए तो आपका वो लेन देन ही समाप्त हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। अरे 100 वर्षों बाद भी ऋषियों ने अपने कर्म का फल भोगा, लेन देन समाप्त साथ साथ करना होता है, इसलिए बाकी कर्म भी होंगे। बाकी कर्म करता हुआ निर्लेप रहे, ईश्वर के साथ अपने आप को जुड़ा समझे और उसका गुणगान करते हुए कहे कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कल्याण। केवल इतनी ही बात की जरूरत है और किसी बात की जरूरत है नहीं। हर शास्त्र में ऐसी ही चीजें लिखी हैं, चाहे कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, भगवान की लीलाओं के अलावा मानव जीवन के कल्याण में सिर्फ यही बातें लिखी हैं कि मन को निश्चल करके ईश्वर के चरणों में रखो और बाकी जो बातें हैं अपना लेन देन भुगता लो बस, पर उसमें मन ना भाग रखना। जैसे मैंने किसी को कुछ पैसा दिया और 1 महीना उसने मन के मुझे देखा कि नहीं देखा, अगर मैंने पिछले जन्म का लोन चुकाना था तो वो नहीं देगा, ध्यान रखा था। ऐसा भाव बना तब ईश्वर आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे, वो सारा निर्णय करने वाले स्वयं हैं, इसलिए निर्णय उसी के हाथ में रहते दो। उनको पता है मेरे भक्त जो मेरी शरण में आए हैं उनके कल्याण निमित्त जो उन्होंने करना है उन्होंने करना है, हम अपने हाथ में कोई चीज ना रखें, बस इतना रखें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे मन का निश्चल चेता आपकी शरण में है, मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। जब भी मैं आपकी शरण में आऊं मेरा ध्यान आपके केवल चरणों में रहे और मुझे कल्याण करते रहना, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देना, सभी पापों का नाश कर। पापों का नाश तभी होता है जब लेन देन समाप्त हो जाता है, जब कोई प्रयोजन नहीं। ये वक्त भी आपके ऊपर आएगा कि आप समझेंगे, अगर ईश्वर की शरण में है तब आप समझेंगे कि यार अब मेरा दुनिया में कोई काम ही नहीं रह गया, सभी भुगतान हो गए, लेन देन हो गया। जब आप ये भाव समझ जाएंगे तो फिर हे प्रभु, बाकी का जो मेरा जीवन है अपनी शरण में रखना और नाम जपाएगा, सब कुछ उसी के हाथ में थे, तो आपका जीवन 100% कल्याणमत हो जाएगा। वो शंकर भगवान की ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम।